Very good morning, 10th class. How are your studies going on? I hope you all are revising your lessons and making your notes. So, beginning with our chapter that we were doing in history, the nationalism in Europe, just a small recap what we have studied yesterday. We have started the third unit of the lesson, that was the Age of Revolutions from 1830 to 1848, and there we have studied how the educated middle class was inspired to bring liberalism in their countries, and the first upheaval that took place, that was in July 1830. First revolution in France took place in 1789 and the second started in 1830. With this, monarchy came to an end. After Napoleon, there was monarchical rule in France, Bourbon dynasty. 1830, that Bourbon dynasty was removed and the liberal revolutionaries, they installed a constitutional monarchy in France and with Louis Philippe as the monarch. After that, Belgium broke away from Netherlands and there was the Greek War of Independence. This was our last lesson. Now let's continue our today's chapter with a new topic, the romantic imagination and national feeling. First, let me explain, what do we mean by this term, romantic imagination? See, you all are students of 10th class and you study science. Padhte ho science? Aur science mein hum reason, logic, ye sab padhte hain. Theek hai? Science mein aapne padha hoga. Everything that takes place, it has a reason behind it. Padha hai na science mein sabne? लेकिन यहाँ हम कुछ ऐसी चीज़ पढ़ेंगे जो थोड़ी सी इस रीज़न और लॉजिक से अलग है, एंड दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू रीड इन दिस रोमांटिक इमेजिनेशन. इमेजिनिंग योर कंट्री, नेशन या कंट्री दिखता नहीं है सामने, हम देख नहीं सकते देश को, हम इमेजिन कर सकते हैं. और वो जो देशभक्ति होती है उसके पीछे कोई लॉजिक या रीज़न नहीं होता है. द लव दैट यू शो फॉर योर नेशन, दैट इज़ रोमांटिक इमेजिनेशन. एक इंट्यूशन, एक फीलिंग, रेडी टू डू एनीथिंग फॉर योर कंट्री. दिस वॉज दिस मूवमेंट ऑफ रोमांटिक इमेजिनेशन दैट वी आर गोइंग टू रीड एज रोमांटिसिज्म. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द लेसन. The romantic imagination and national feeling. The development of nationalism did not come about only through war and territorial expansion. अभी तक हमने एक चीज़ पढ़ी है ना, expansion of empires. हर राजा चाह रहा था उसकी बड़ी बड़ी empire हो. तो देशभक्ति दिखाने का एक तरीका, of course, हम मानते हैं देश की रक्षा के लिए अपनी जान देना होता है, और उस समय तो वॉर करके अपनी कंट्री को और बढ़ाना, दैट वॉज कंसिडर्ड एज नेशनलिज्म. और हम यही तो पढ़ रहे हैं, ब्रेकिंग अप ऑफ एम्पायर एंड क्रिएटिंग ऑफ नेशन स्टेट्स. तो ठीक है, हम कहते हैं हमारी आर्मी हमारे बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करती है, एंड देर इज़ नो डाउट अबाउट द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन देम. देशभक्ति की जितनी फीलिंग उनमें है तो हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते. वी ऑल नो दैट हाउ पेट्रियाटिक दे आर. वो एक नेशनलिज्म की फीलिंग है, लेकिन उतनी ही फीलिंग हमारे देश में रहने वालों में भी है. जो सोल्जर्स हैं वो तो हैं ही देशभक्त, लेकिन जो देश के अंदर रहकर देश के डेवलपमेंट के लिए, देश की वेलबींग के लिए काम कर रहे हैं, वो भी तो नेशनलिस्ट हैं, आर्टिस्ट. हाँ, देशभक्ति के अभी 15th August है, जैसे ही हम वो पेट्रियाटिक सॉन्ग सुनते हैं ना, वी फील दैट फीलिंग ऑफ पेट्रियाटिज्म इन इस. तो वो जिसने वो सॉन्ग लिखा है
वंदे मातरम लिखा है या हमारा नेशनल एंथम लिखा है और भी इतने सारे पेट्रियाटिक सॉन्ग्स जो हम सुनेंगे, तो वो सुनते ही वो जो एक फीलिंग आती है, तो जिस राइटर ने, जिस पोएट ने, जिस लिरिसिस्ट ने वो सॉन्ग्स लिखे हैं, क्या कम देशभक्त हुए? जब पेंटिंग भारत माता की आप एक बहुत सुंदर सी पेंटिंग देखते हो, है ना, वी आर इंस्पायर्ड बाय लुकिंग एट दैट पेंटिंग, तो जिसने वो पेंटिंग बनाई वो भी तो नेशनलिस्ट है। तो दिस इज़ इट, सिर्फ लड़ाई से, वॉर से आप अपनी देशभक्ति नहीं दिखा सकते हो, देर आर अदर मीन्स ऑल्सो थ्रू विच वी कैन शो आर नेशनलिस्ट फीलिंग, एंड दैट इज दिस रोमांटिसिज्म, दिस रोमांटिक इमेजिनेशन। कल्चर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ द नेशन, वेरी इंपॉर्टेंट रोल कल्चर, और हमारा इंडियन कल्चर जैसा रिच कल्चर तो बहुत कम कंट्रीज के पास है। तो वही चीज़ यूरोप में भी थी, वो ओल्ड जो उनका ग्रीक और रोमन कल्चर है, आर्ट, पोइट्री, स्टोरीज, म्यूजिक, दे ऑल हेल्प टू एक्सप्रेस एंड शेप नेशनलिस्ट फीलिंग्स। तो दिस कल्चरल मूवमेंट स्टार्टेड इन यूरोप, एक तरफ तो वॉर्स हो रहे हैं, फ्रीडम स्ट्रगल चल रही है, पीपल आर फाइटिंग टू मेक द नेशन स्टेट्स, एंड ऑन द अदर हैंड देर आर क्रिएटिव पीपल, painters and poets and writers and musicians who are writing, who are creating music to show their nationalism. Let us look at romanticism. Now see, there is a definition given, underline karo usko. Romanticism, it was a cultural movement which sought to develop a particular form of nationalist sentiment. Culture ke through, desh ka, har desh ka apna culture hota hai, उस कल्चर के थ्रू, वो जो लोकल वहाँ की लैंग्वेज होती है, हाँ, वहाँ का पास्ट होता है, वहाँ की हिस्ट्री होती है, उसके थ्रू लोगों में देशभक्ति की भावना पैदा करना, दिस कल्चरल मूवमेंट वॉज नोन एज रोमांटिसिज्म। रोमांटिक आर्टिस्ट, वो जो आर्टिस्ट थे उस मूवमेंट के, एंड पोएट्स जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस। As I said, of course आप साइंस पढ़ते हो, और साइंस ये कहती है उस हर हैपनिंग के पीछे, हर इवेंट के पीछे एक लॉजिक होता है, बट द क्रिएटिव आर्टिस्ट एंड पोएट सेज कुछ बातें रीजन से अबव होती हैं, है ना, और किस पर फोकस किया उन्होंने, इमोशंस, इंट्यूशंस एंड मिस्टिकल फीलिंग्स, आपकी इमोशंस। साइंस और इमोशंस का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, तो यहाँ रोमांटिसिज्म में योर लव फॉर योर कंट्री, योर इमोशंस फॉर योर कंट्री, योर फीलिंग फॉर योर लव नेचर, योर फीलिंग्स फॉर योर लैंग्वेज, इन सब के बारे में लिखा गया, इन्हें सामने लाया गया। तो दिस वॉज अ कल्चरल मूवमेंट स्टार्टेड बाय आर्टिस्ट एंड पोएट्स। नाउ दे एफर्ट वॉज to create a sense of shared collective heritage, लोगों के सामने ये बात लाई जाए कि हम सब एक देश को belong करते हैं, हमारा past कितना rich था। I think same thing is going on in our country also at present, talking about our rich cultural past, वही बात Europe में भी हो रही थी। A common cultural past as the basis of a nation, see nation states बनाने हैं। Greek War of Independence हमने पढ़ा, क्या हुआ उस ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में, ग्रीक्स और जो यूरोपियंस थे, ग्रीक इज कंसिडर्ड या ग्रीस इज कंसिडर्ड एज द मदर कंट्री ऑफ यूरोप, सबसे एंशियंट कल्चर कहाँ का माना गया है, ग्रीस का। तो पूरा यूरोप, काफ़ी कंट्रीज ने मिलकर कोशिश करी ग्रीस को इंडिपेंडेंस दिलाने की। तो दिस वॉज दैट रिच कल्चरल पास्ट हेरिटेज, उस बेसिस पर मूवमेंट डेवलप हुआ, एंड दैट मूवमेंट इज नोन एज romanticism in history. There were many romantic artists, jo poets the, philosophers the, writers the, such as the German philosopher Johann Gottfried Herder. Ye Germany ko belong karte the. Phir ek baat yaad dilaun, abhi tak Germany country nahi bana hai. Only German speaking areas hain jo alag alag empires ke under mein hai. So he was a German philosopher. He claimed that true German culture was to be discovered among the common people, das Volk.
है ना, सबसे पहले इन्होंने बोला कि अगर हमें ट्रू जर्मन कल्चर देना है, जर्मनी अभी कोई कंट्री नहीं है, इसी बेसिस पर बनेगा आगे जाकर, तो जैसे हमारे इंडिया में भी कहा जाता है ना, असली भारत देखना है, असली इंडियन कल्चर देखना है, तो कॉमन मैन के जाओ, विलेजेस में जाकर देखो, शहरों में नहीं दिखेगा। इंडियन सिटीज डजंट डिपिक्ट इंडियन कल्चर, वो कॉस्मोपॉलिटन कल्चर दिखाती हैं। रियल इंडियन कल्चर कहाँ एग्जिस्ट करता है? विलेजेस में। सेम थिंग वॉज सेड बाय द जर्मन फिलोसोफर ऑल्सो, दैट द ट्रू जर्मन कल्चर दैट कैन बी सीन अमंग द कॉमन पीपल, इट वॉज थ्रू फोक सॉन्ग्स, फोक पोइट्री एंड फोक डांसेस, जो जर्मन लैंग्वेज में है, फोक डांसेस हैं वहाँ के, फोक पोइट्री है, दैट द ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन वॉज पॉपुलराइज्ड। असली देश, असली कंट्री कहाँ दिखता है? अमंग द कॉमन पीपल, दैट इज ट्रू कंट्री, एंड दैट वॉज सेड बाय जर्मन फिलोसोफर। सो कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग दीज फॉर्म्स ऑफ फोक कल्चर, तो हमें ये फोक कल्चर लोगों के सामने लाना है, जो अभी तक कॉमन मैन के बीच में तो है बट सबके सामने नहीं आया है, उसे सामने लाना है, वॉज असेंशियल टू द प्रोजेक्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग। सो इफ अ जर्मन नेशन इज टू बी क्रिएटेड, एक देश बनाना है अगर हमको जर्मनी नाम का, तो हमें पहले ये फोक कल्चर सामने लाना होगा, लोगों को इसके थ्रू जोड़ना पड़ेगा। सो दिस वॉज सेड बाय जर्मन फिलोसोफर। नाउ द एम्फेसिस वॉज लेड ऑन द वर्नाकुलर लैंग्वेज, द लोकल लैंग्वेजेस। यूरोप में अभी तक कौन सी लैंग्वेज पॉपुलर थी? एलीट क्लास, एजुकेटेड क्लास, फ्रेंच और बाकी सारी लैंग्वेजेस। फ्रेंच वॉज स्पेशली स्पोकन अमंग द एजुकेटेड क्लासेस, बट नाउ इम्पॉर्टेंस वॉज गिवन टू वर्नाकुलर, लोकल लैंग्वेजेस। और रिमेंबर, कॉमन मैन स्पीक्स लोकल लैंग्वेज, वो एजुकेटेड क्लास वाली लैंग्वेज नहीं बोलते हैं, कॉमन लैंग्वेज। और अगर कॉमन पीपल को जोड़ना है तो कौन सी लैंग्वेज का यूज़ बढ़ना चाहिए? वर्नाकुलर लैंग्वेज का। एंड द कलेक्शन ऑफ लोकल फोकलोर वॉज नॉट जस्ट टू रिकवर एन एंशियंट नेशनल स्पिरिट, बट ऑल्सो टू कैरी द मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज टू लार्ज ऑडियंस हु वर मोस्टली इलिटरेट। वाई इम्पॉर्टेंस वॉज गिवन टू लोकल लैंग्वेज? बिकॉज कॉमन पीपल स्पीक लोकल लैंग्वेज, कॉमन लैंग्वेज, वो वर्नाकुलर बोलते हैं। तो अगर लोगों के बीच में नेशनलिस्ट फीलिंग स्प्रेड करनी है, उन्हें एकजुट करना है, एक नेशन बिल्डअप करना है, तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू स्पीक लोकल लैंग्वेज। जो मैसेज कॉमन मैन तक जाएगा, वो मैसेज कौन सी लैंग्वेज में जाएगा? फ्रेंच में जाएगा तो नहीं समझेंगे, कौन सी लैंग्वेज समझेंगे? वर्नाकुलर लैंग्वेज। सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट दैट यूज़ ऑफ वर्नाकुलर शुड बी इंक्रीज्ड, ताकि कॉमन मैन को अपने कॉज के साथ, नेशनलिज्म के साथ जोड़ा जा सके। दिस वॉज स्पेशली सो इन द केस ऑफ पोलैंड। नाउ देयर इज एन एग्जाम्पल, चिल्ड्रन यू ऑल्सो गेट क्वेश्चंस वेर यू हैव टू राइट आंसर विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल आपको बुक में से ही देने होते हैं। सो हेयर इज एन एग्जाम्पल गिवन ऑफ पोलैंड, पोलिश लैंग्वेज। एग्जाम्पल दिया है कि कैसे लैंग्वेज ने नेशनलिस्ट फीलिंग्स को डेवलप करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। सो दैट वॉज इन द केस ऑफ पोलैंड, विच हैड बीन पार्टीशन्ड एट द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी बाय द ग्रेट पार्ट्स। पोलैंड टुडे इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, बट एट दैट टाइम इट वॉज डिवाइडेड अमंग रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया। पोलैंड कंट्री को इन्होंने बांट रखा था, तो ये इन तीन एम्पायर्स के अंडर में था, रशियन एम्पायर, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया। इवन दो पोलैंड नो लॉन्गर एग्जिस्टेड, इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं था वो, लेकिन नेशनल फीलिंग्स तो थी अमंग द पीपल हु बिलोंग टू पोलैंड, हु स्पोक पोलिश लैंग्वेज। तो वो नेशनल फीलिंग्स वर केप्ट लाइव थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेज, पोलिश लैंग्वेज। करोल कुरपिंस्की, ही वॉज अ म्यूजिशियन फॉर एग्जाम्पल, celebrated the national struggle through his operas and music. Being a musician, वो music create करते थे, dances करते थे, और उसके through एक message देते थे ताकि common man समझ सके। Polish language में अगर कोई गाना है या Polish language में अगर कोई play हो रहा है, common man समझेगा। उस play के through
उन तक ये मैसेज पहुंचाया जाता था दैट वी हैव टू फाइट फॉर अ कंट्री। टर्निंग फोक डांसेस लाइक, अंडरलाइन करो, ये दो फोक डांसेस हैं पोलैंड के, पोलोनेज एंड मजुर्का, इंटू नेशनलिस्ट सिंबल्स। तो इन दो डांसेस के थ्रू, पोलिश म्यूजिक, पोलिश प्लेज के थ्रू उन्होंने नेशनलिज्म क्रिएट करने की कोशिश करी, कॉमन मैन तक मैसेज पहुंचाया दैट वी हैव टू फाइट फॉर अ कंट्री। तो ये तो बात हुई म्यूजिक एंड डांस की। नाउ वील टेक एन एग्जाम्पल ऑफ लैंग्वेज, हाउ लोकल लैंग्वेज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। लैंग्वेज टू प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन। पोलैंड में क्या थी, रशिया के अंडर में भी तो था। सो जो एरियाज रशिया के अंडर में थे, द पोलिश लैंग्वेज वॉज फोर्स्ड आउट ऑफ स्कूल्स एंड द रशियन लैंग्वेज वॉज इम्पोज्ड एवरीवेयर। वॉट हैपेंड इन रशिया, पहले पोलिश लैंग्वेज में स्टडीज होती थी, लेकिन वंस इट वॉज ऑक्यूपाइड बाय रशिया, पोलिश स्कूल्स में से पोलिश लैंग्वेज का यूज तो बंद कर दिया और रशिया ने फोर्स किया दैट द चिल्ड्रन नाउ हैव टू स्टडी इन रशियन लैंग्वेज। इन 1831 एन आर्म्ड रिबेलियन अगेंस्ट रशियन रूल टुक प्लेस विच वॉज अल्टीमेटली क्रश्ड। 1831 में पोलिश लोगों ने विद्रोह किया लेकिन उसे दबा दिया गया। फॉलोइंग दिस मैनी मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी इन पोलैंड, विच इज क्लर्जी क्लास, द बिशप्स, अब उन्होंने ये मूवमेंट अपने हाथ में लिया। देर यूज फॉर चर्च गैदरिंग्स, उन्होंने क्या करना शुरू किया, दे बिगैन टू यूज लैंग्वेज एज अ वेपन ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता है विरोध दिखाना। अब क्लर्जी ने ये मूवमेंट अपने हाथ में लिया। पोलैंड बींग अ क्रिश्चियन कंट्री, संडे को प्रेयर मीटिंग्स होती थी, पीपल यूज टू गो टू चर्च एवरी संडे। वहाँ जब ये बिशप्स प्रीच करते थे, उपदेश देते थे, देखो रशिया ने कह रखा है दैट यू हैव टू यूज रशियन लैंग्वेज एवरीवेयर, लेकिन अपना विरोध दिखाने के लिए क्या होने लगा, ये जब क्लर्जी संडे को प्रेयर मीटिंग लेते थे, दे स्टार्टेड प्रीचिंग इन पोलिश लैंग्वेज, ताकि रशियन गवर्नमेंट तक ये मैसेज जाए कि हम तुम्हारी बात का विरोध करते हैं। दैट वॉज रेजिस्टेंस। पोलिश वॉज यूज फॉर चर्च गैदरिंग्स एंड ऑल रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस एंड एज अ रिजल्ट, अब पनिशमेंट तो मिलेगा ना, गवर्नमेंट के खिलाफ जा रहे हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट एंड बिशप्स व पुट इन जेल और सेंट टू साइबेरिया। रशिया में है साइबेरिया, वेरी डेडली कोल्ड डेजर्ट, हाँ बहुत खतरनाक जगह है, वहाँ इन प्रीस्ट को भेजा जाता था एज अ पनिशमेंट बाय द रशियन अथॉरिटीज एज पनिशमेंट फॉर देयर रिफ्यूजल टू प्रीच इन रशियन। तो जो भी बिशप, जो भी प्रीस्ट रशियन में बोलने से मना करता था, पोलिश में करते थे काम, उन्हें पनिशमेंट दिया जाता था। द यूज ऑफ पोलिश केम टू बी सीन एज अ सिंबल ऑफ द स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। तो ये देखो उनका तरीका था पोलिश पीपल का, थ्रू म्यूजिक, थ्रू कल्चर, थ्रू डांसेस, थ्रू लोकल लैंग्वेज उन्होंने अपने कॉलोनाइजर्स का विरोध किया। रशिया ने ऑक्यूपाइड कर रखा था पोलैंड को, और पोलिश पीपल हाउ दे यूज कल्चर, देयर लैंग्वेज टू शो देयर रेजिस्टेंस। तो विरोध सिर्फ लड़कर नहीं किया जा सकता, है ना, वॉर से नहीं किया जा सकता, कल्चर कैन ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन शोइंग प्रोटेस्ट। तो दिस वॉज दैट रोमांटिक इमेजिनेशन, रोमेंटिसिज्म, ए कल्चरल मूवमेंट विच स्प्रेड इन यूरोप। और हमने यहाँ एग्जाम्पल पढ़ा ऑफ विच कंट्री, पोलैंड, हाउ दे रेजिस्टेड अगेंस्ट रशियन ऑक्यूपेशन। सो दिस वॉज द लेसन फॉर द डे। Next topic, we'll start tomorrow. Till then, keep reading.